रात को कल एक स्पेसिफिक इनपुट पे ऑपरेशन लॉन्च किया था आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ ने नारिस्तान में। उस ऑपरेशन में हमने एक मिलिटेंट जैश मोहम्मद का गुलजार अहमद डार, जो कैलील के साथ ही गाँव में वहाँ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक चाइनीज़ पिस्टल और बाकी आर्म्स एंड एमुनिशन रिकवर किया गया है। उसकी पूछताछ के दौरान उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्क्लोज़ किया कि बाकी उसके जो चार साथी हैं जैश मोहम्मद के, जिसमें उनका यहाँ त्राल एरिया का पाकिस्तानी कमांडर मुफ्ती वकास भी शामिल है, वो पस्तूना के ऊपर एक किसी हाइड में बैठे हुए हैं। तो 42RR CRPF 180 बटालियन और पुलिस ने रात को ही ऑपरेशन लॉन्च किया। सुबह जो ही उस हाई रोड के नज़दीक फोर्सेस पहुंची, तो मिलिटेंट ने फोर्सेस की मूवमेंट को देखते ही इनडिस्क्रिमिनेट फायर खोल दिया, जिसका अप्रोप्रिएट जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया। लेकिन चूंकि टेरेन बहुत टफ है और काफ़ी घना जंगल था, उसका एडवांटेज लेते हुए मिलिटेंट मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बहरहाल एक बहुत बड़ी हाइड जिसमें तकरीबन 3 से 4 महीने का राशन और पूरे सर्दियों का सामान मुहैया करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था मिलिटेंट्स ने, उसको तबाह किया गया। उसके बाद अभी पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, सीर पस्तूना और इसके आसपास के जंगल वाले इलाके, और इसमें अभी तलाशी जारी है। यार जो है गुलजार ने 21 तारीख को जो ग्रेनेड हुआ है ऑनरेबल आरएनबी मिनिस्टर पे त्राल चौक में, वो ग्रेनेड अटैक किया और उसी दिन से ये घर से गायब था और उसी दिन से इसने JEM ज्वाइन की है। अगर ये मिलिटेंट नहीं था तो इसके पास पिस्टल कहाँ से आया, इसको पिस्टल किसने दिया? तो ये पहले भी, ये भी बता दूँ मैं कि ये 2014 में भी एक इंसिडेंट हुआ था ग्रेनेड अटैक का त्राल में, जिसमें 5 लोग मारे गए थे सिविलियन, तो वो ग्रेनेड अटैक भी इसी ने किया था और वो भी जैश मोहम्मद ने ही करवाया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस वक्त भी एक्टिव मिलिटेंट था जैश मोहम्मद के साथ, 21 पिछले महीने की 21 तारीख से लेके पकड़े जाने तक। बिल्कुल ये जैश ने करवाया है। और इसमें जो यहाँ त्राल के एक लोकल कमांडर है नूर मोहम्मद तांत्रे, जो पहले दिल्ली ब्लास्ट केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और उसके बाद उसको पैरोल मिला है और पैरोल जंप करके वो मिलिटेंट बन गया हुआ है, उसका हाथ है। और जो पाकिस्तानी कमांडर जिसका मैंने बताया आज जो हमारे हाथ से बच गया है, इन दो कमांडर्स का इसके पीछे हाथ है। अगर